प्यारी साध संगत जी, अज सानू परमात्मा ने देखो किन्ना सोहना कीमती मौका दिता सानू अपने जन्म सुधार करन दा। प्यारी साध संगत जी, यह मौका बड़े कर्मां दे नाल मिलदा। प्यारी साध संगत, संसार विच पीर कंबर फकर औलिया अवतार होके चले गए, लेकिन ना कोई रहा ना किसी ने रहना, सदा सदा वास्ते इस धरती ते परमेश्वर दा नाम रहना है। सानू पीर कंबर अवतार फकर औलिया जिन्हें भी धरती आए, सिर्फ समझाने वास्ते आए हैं, कदे भी कुराहे पाउण वास्ते नहीं आए, लेकिन जिन्हें वेद ग्रंथ है, लेकिन सब सच है। गुरु को प्यारी साध संगत जी, चाहे गुरु ग्रंथ है, भगवत गीता, रामायण, कुरान, सब सच है। सिर्फ सानू ज्ञान प्राप्त करने वास्ते वेद ग्रंथ बने हैं। जेकर असीं ज्ञान प्राप्त ना करिए, साडा फायदा कोई नहीं। आखिरकार सानू मनन वास्ते कहा, लेकिन मलन वास्ते नहीं कहा। जिन्हें पीर कंबर लेकर इस धरती ते अवतार होके गए, सिर्फ सानू संसार दे पुल्ले भटके जीवां नूं सीधे मार्ग दे रस्ते पाउण वास्ते गए। प्यारी साध संगत जी, लेकिन सानू कराहे पाउण वास्ते नहीं गए, लेकिन असीं मौके दा फायदा नहीं लै सके। प्यारी साध संगत जी, मौके दा असीं फायदा नहीं लै सके, लेकिन आखिरकार आणके आपां उस मौके दा नजायज फायदा लिया, जिस तरह के ज्योति ज्योत गुरु नानक देव पातशाह इस धरती ते आए हन। सिर्फ सानू लोकां नूं तारन वास्ते आए हन, कराहे पाउण वास्ते नहीं आए। उस टाइम लोकां ने, लेकिन गुरु नानक देव पातशाह नूं कराइया सद्या, बंगाल दा जादूगर सद्या, पत्थर मारे, जेल दे विच मौके दे हाकमां ने भी जरा दर्शना कीता, उस नूं जेल विच बंद करना चाहिया। जिस तरह के इत्थे धरती ते गुरु रविदास महाराज इस धरती ते ज्योति ज्योत आए सन, लेकिन उह भी संसार नूं तारन वास्ते आए सन, लेकिन उन्हां ने मरियां होईयां गुआं जीवियां तोड़ के दिखाईयां, तिन मन दा पत्थर पानी भी तरा के दिखा दिता उन्हूं भी इन्हां लोकां ने, लेकिन झूठा करार दे के जेल विच बंद करना चाहे। जिस तरह कबीर साहब दे आके महाराज ने आप रसोई करके आप लंगर वरताया, जिस तरह के लोकां झूठा ने, लेकिन इह देख के देखता सी कि कबीर साहब दे जग है। आखिरकार अकाल पुरख नूं कबीर साहब दी इज्जत रखण दी खातर खुद अकाल पुरख नूं सृष्टि आप उतर के, लेकिन उसके लेकिन रसोई का काम और लंगर बरतान का आप करना पाया। आखिर कबीर साहब नूं भी चलदी राबी विच इन्हां लोकां ने सिटना चाहिया। इस तरह के गुरु नानक देव पातशाह ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने गुरु ग्रंथ महाराज की तैयार की, लेकिन उन्हां नूं इन्हां लोकां ने तत्ती तबी के बिठाल दिता, क्यों वो जुल्म करन वास्ते नहीं आए थे, लेकिन सानू लोकां नूं जगाउण वास्ते आए सन। सानू लोकां नूं फुल्लिया भटकण नूं, लेकिन कराहे पिया होया नूं सीधे राहे पाउण वास्ते आए सन। उन्हां अवतारां ने क्या किसी नाल बाधी कीती, क्या किसी जुलम किया, इन्हां लोकां ने फिर भी उन्हां नूं नहीं बख्शिया। जिस तरह के गुरु तेग बहादुर पातशाह इस धरती ते आए, उन्हां ने देख लो तुसीं सर्वां अपने धर्म की खातर संसार दे विच शीश दित्ता, गुरु उस आखिरकार जा शीश दित्ता, तां इस कर गुरु गोबिंद सिंह इस धरती ते आए हन, लेकिन आखिरकार उन्हां दे बच्चे ने आ चना तपदियां पट्ठियां चंगलां बियाबानां विच वाड़ दित्ता। आखिरकार आण के जिस तरह के रामचंद्र अवतार आए इस धरती ते, सिर्फ सानू भुल्ले भटके जीवां नूं तारन वास्ते आए सन, लेकिन प्यारी साध संगत जी सानू कराहे पाउण वास्ते नहीं आए। जिस तरह के रामचंद्र अवतार आए, उन्होंने 14 साल का इन्होंने लोगों ने वनवास दिता, बाद विच पाशना कुछ नहीं बनाई। जिस तरह कृष्ण अवतार इस धरती आए, वह भी संसार के जीवन, लेकिन सीधे राह दे मार्ग के रस्ते पाने वास्ते आए सन, लेकिन कराहे पाने वास्ते नहीं आए सन। लेकिन उन्होंने भी लोगों ने, लेकिन बहुत गलत माड़े लफ्ज कहे। प्यारी साध संगत जी, जिस तरह के नामदेव भगती देखो, खुद महाराज ने 96 इस धरती से आके किस तरह किस तरह उन्होंने बतीकिया, इन्होंने लोगों ने किस तरह जेल विच बंद कराना चाहिया, किस तरह मत उन्होंने जुल्म कीते, सदत करने इन्होंने लोगों ने चाहे। इन्होंने लोगों ने देखो पहला ते ला के हुण तक इन्होंने लोगों के मन विच यही है कि अवतार ने पैदा होना, अवतार ने जमना, यह अवतारा नाल धोखे करते आए, अवतारा नाल तगे करते आए, लोग जुल्म करते आए, जुल्म ढालते आए। सिर्फ ये लोग मलना जरूर जानते हैं, मनना कोई बिरला ही जानता है, जो प्राणी इस संसार दे विच जेकर मनना जावे, जो कोई मनने वाला प्राणी हो, कदे भी धोखा नहीं खा सकता, कदे भी ओ बेमुख नहीं हो सकता। जो प्राणी मनन वाला है, वो सदा सदा वास्ते धोखा खा सकता। जिहड़ा कि इंसान मनन वाला है, कदे भी धोखा नहीं खा सकता, मनन वाला सदा सदा वास्ते धोखा खा सकता। क्यों जो महापुरुष हैं, लेकिन आखिर करण के उन्हां नूं धरती आकाश काल, लेकिन सब पूज रहे हैं। कदे भी महापुरुष कदे किसी नूं एक मार्ग प्राण वास्ते आंदे, कदे अलग अलग नहीं प्राण वास्ते आंदे। जिस तरह के अज अकाल पुरख ने इस सृष्टि ते किन्नी नेकी गुरु बण बण बैठ के, देखो आखिर करण के संसार दे विच संसार किन्ने गुरु बन बन के बैठे, किन्नी गद्दियां लाई बैठे हैं, किन्ने महापुरुष बन के बैठे। कोई जपी बैठा, कोई यती बैठा, कोई तपी बैठा, कोई चल तरा करता, कोई चल तरा करता है, कोई तूने तप रहा है, कोई जती बन के बैठा संसार दे। आखिरकार आण के एक परमेश्वर, एक अकाल पुरख है, किन्ने संसार के उपर धर्म बन चुके हैं। जिस तरह के गुरु का कोठा बठिंडे जिले
उस पिंड जाके भैन ने दर्शन लेते। भैने मेरी 2 बजे रात दे जा तेरी घोड़ी सूई हुई है, उस घोड़ी नु संभाल ले। जिस वेले अकाल पुरख साडा रूप धार के गया, मैं ते संगत दा दास हां। हुण क्यों आखिर करन के जिहड़े लोग गल्लां करदे हन के भनारा बड़ी लोग जांदे उत्थे कुछ नहीं रखिया वा, ओह लोग जिहड़े गल्लां करदे ओह लोग उस टाइम किथे सुते पए सन, आखिर करन के कीहड़ी नींद विच पए सन, उहनां नु नहीं पता लग्गिया के गुरु का कोठा लेकिन उस पिंड दे विच फलानी दे घर घोड़ी सूई हुई है। आखिरकार वो क्यों नहीं पहुंचे जब बाबा प्यारा सिंह जब मेरा रूप धार के अकाल पुरख पहुंचा उन्होंने पास देखन, आखिरकार आके महाराज ने फिर होर क्यों नहीं पहुंचा। अज अकाल पुरख सानू सुत्या होने जगान वास्ते जिन्हें डंगर पशु बकरे मींडे तार दिते, कोई भी महापुरुष आया लेकिन वो अड्ड अड्ड धर्म नहीं बना के गया, जात पात के सवाल नहीं रख के गया, लेकिन सिख मौने के सवाल रख के नहीं गया, अमीर गरीब के सवाल रख के नहीं गया, सिर्फ ये साडे लोगों दी अपनी गल्लां बनाईआं होईआं, सिर्फ साडे लोगों के अपने पट्टां पसीमा बनाईआं होईआं हन। आखिरकार के देख लो तुसी परमात्मा ने डंगर पशु बकरे मींडे भी तार दिते, जिस तरह भाई साहब कुत्ता लै गया। आखिरकार इस लड़के ने दर्शन दिते कि भाई सिखा तू मतलब कुत्ता लै गया, अज देखो कुत्ते भी अकाल पुरख ने तारते। मैं तो एक संगत का दास है लेकिन गुरमुख अकाल पुरख सानू भुलिया भटकिया हुए तारन वास्ते, देखो अकाल पुरख ने अज कुत्ता लिया के लेकिन वहम भरमा का नाश कर दिता, नाम का प्रकाश कर दिता, जो अलग अलग धर्म रब दस दे लेकिन उन्होंने मान तोड़ पै दस दिते, लेकिन आखिरकार जिस वे घोड़ी से जाके बच्चे जन्म दे दिता, जाके उस भैन बेज गुरु का कोठा जाके ठालिया, आखिरकार आके जेड़े कहिंदे गुरु कई संत महात्मा महापुरुष दस दे लेकिन दो घरां दा प्रौणा भुखा मरदा तू पक्क दी खा लै इक पासे, दो बेड़ियां वाला टुक मरदा तू लत्त नूं टका लै इक पासे। प्यारी साध संगत जी आखिर करण के कई कहिंदे नाम ते बिना मुक्ति नहीं हो सकदी, कई कहिंदे अमृत तों बिना मुक्ति नहीं हो सकदी, आई तां अकाल पुरख मेरे शहनशाह दे शहनशाह बिना अमृत तों बिना नाम ते घोड़ियां कुत्ते बिल्ले गधे बकरे मींडे तार के दिखा दिते हन। लेकिन प्यार प्राणी हे प्राणी बेशक ना तू किसे इंसान कोल ते किसे मुरशद कोल ते नाम तां लै लै, नाम तन ले लै, अगर मुरशद दे कोल ते नाम तन लिया तू हर धर्म विच हर वेद ग्रंथ विच हर पीर पैगंबर दे विच हर फकर औली हर इंसान पशु प्रिंदे वे वेख परमेश्वर दा वासा नहीं देखदा, तेरा नाम लैण दा कोई फायदा नहीं, इंसान तू बेगुरा इंसान है। अगर तू इंसान किसे कोल ते अमृत छक लै, अगर तू अमृत छक के सिख मौने दा सवाल उठावा, सिख मौने दा सवाल उठावा जां जात पात दा सवाल उठावा, अपने एक धर्म विच रब देखा, लेकिन हर पशु प्रिंदे हर इंसान पशु हर पशु प्रिंदे हर इंसान हर पीर पैगंबर हर वेद ग्रंथे विच हर वेद ग्रंथे विच एक रब नहीं देखदा, तेरा अमृत छकन दा कोई फायदा नहीं, उसके नाल ते तां बेगुरा इंसान चंगा है। आखिरकार आके सिर्फ महापुरुष कदे अड्ड अड्ड नहीं बनाउण वास्ते आंदे, ओह तां हमेशा हमेशा वास्ते सब नूं इक बनाउण वास्ते आंदे हन। कि प्यारी साध संगत जी जल अज अकाल पुरख लेकिन कुत्ते बकरे मींडे गाइयां मैसां तार दित्तियां, कोई सुपने की मिसाल नहीं, किसी युग की मिसाल नहीं, अज साडे अखां दे अगे सीसा सिर्फ अकाल पुरख ने बरताया। आखिरकार आके सच्चाई कदे दबी नहीं रहेगी, बेशक ना देखो ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁੰਗਲ ਫਸੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਬਣ ਤਨ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਕਾਸ਼ਪੀ ਅੰਬਰ ਫਕਰ ਔਲੀ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਰੇ ਹਨ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਭੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਆਖਿਰ ਕਰਮ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣ ਕੇ ਫਿਤਕੜੇ ਪਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਰੱਖੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦੀ ਚੰਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਤਕਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਰਮਾਇਣ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਹਿਤ ਜਨੇਊ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਸ ਸਕਦੇ, ਅਲੱਗ ਅੱਡ ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੰਥ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਤਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਮਸੀਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ
संगत करके रब पाया हूं फिर भी मेरा जन्म बर्बाद से। अगर मैं मंदिर दी संग मंदिर विच जाके रब पाया हूं मंदिर विच रब दसना सी। अगर गिरजाघर विच जाके रब पाया हूं मैं गिरजाघर विच दसना सी। अगर मस्जिद दे अंदर जाके रब पाया हूं मस्जिद दे अंदर ही दसना सी। अगर गुरुद्वारे दे अंदर जाके रब पाया हूं गुरुद्वारा ही दसना सी। अज असल अकाल पुरख मिलन तो मैनू सारे चाहे गुरुद्वारा है मंदिर मसीत गिरजाघर है कोई भी भगवत गीता रामायण पुराण चाहे कोई भी सिख मो ना हिंदू मुसलमान लेकिन ईसाई है सब दे विच इक ही परमेश्वर दा वासा दिखदा। प्यारी साध संग जी एक बार इंसान लेकिन जन्म लेके इस मातलुक दे विच लेकिन परमेश्वर भेजदा जा इंसान अपने कर्मां दा लेखा जोखा हिसाब किताब मका के लेकिन जा अपना छुटकारा 84 दे चक्कर चो छुटकारा पा लै। लेकिन असीं फिर भी 84 दे चक्कर फट जांदे दुनिया दीआं भजाइयां रहीआं दुनिया नाले दीन कवाया दी सो तुनी ना चली साध। प्यारी साध संग जी असीं दुनिया दे विच मोह रख लैंदे हां लेकिन दुनिया दे विच आ के असीं परमेश्वर नूं भुल के बैठ जांदे हां। परमेश्वर नूं भुल के बैठ के लेकिन अपने असीं जन्म नूं तबाह कर दिंदे। लेकिन दुनिया तां सिर्फ दुनियादारी नाल साथ दिंदा है लेकिन अंत ना साथी कोई जा बिन भजन होए बेकार। प्यारी साध संगत जी अंत ना साथी कोई पूरे मुर्शिद दे बिन पूरे मुर्शिद दे बगैर जिंदगी होई इंसान तेरी बर्बाद। लेकिन पूरा मुर्शिद मिले जिहड़ा सब विच रब देखे चाहे कोई किसी भी चाहे गरीब है अमीर है चाहे कोई बादशाह है हर कोई वेद ग्रंथ है धर्म है जेड़ा सब दा सत्कार करे मुर्शिद मिलेगा ओ मिले नहीं इंसान तेरा जन्म होया बर्बाद। प्यारी साध संगत जी मैं हर वेद ग्रंथ दा हर पीर अंबर फकर औली दा लेकिन सत्कार करूंगा पर मैं मार अपनी मारी ते बैठूंगा किसी दी मार मारी ते नहीं बैठूंगा। पर प्यारी साध संगत जी हर दे विच पीढ़ी तो लैके हाथी तक मैं एक परमेश्वर दा वासा देखूंगा बच्चे तो लैके बादशाह तक मैं हर दे विच एक परमेश्वर दा वासा देखूंगा। लेकिन प्यारी साध संगत जी लेकिन अज संसार दे विच सानू भुल्लिया अकाल पुरख ने रस्ते पाए लेकिन प्यारी साध संग जी पर साडा सिद्क होवे जेकर असीं भरोसा रखीए असीं अपने लेकिन माड़े कर्म करके निंदा चुगली करके झूठियां गाहियां कर दे के लेकिन मां शराब इस दे मालक करके लेकिन अड अड धर्मां वेदां ग्रंथां दी निंदा करके बिना कमरा अवतारा ने निंदा करके आप नरकां दोजकां दी लेकिन अग विच आप तैयार हो जांदे अकाल पुरख कोल ते कई जोजन दूर कर दिंदे। असीं सिर्फ उस अकाल पुरख दे जिन्ने सेटी ते जीव आए हन सब अकाल पुरख दे है लेकिन अकाल पुरख दे बगैर कोई भी नहीं सिर्फ कर्म अपने अपने इंसान नूं भोगणे पैंदे है। प्यारी साध संग जी आखर करण के कर्मां दा फल तुहानूं मिलणा ऐ सत कर लै इंसान ऐ सत कर लै। कई इंसान कहिंदे कि संसार दे विच बंदा जांदा जिस वेले बंदे दी मौत आउंदी लेकिन खाली जांदा खाली च खाली इस वेले खाली इंसान जांदा बिल्कुल झूठ है खाली कोई इंसान नहीं जांदा। जिस तरह दा कर्म करके इंसान जांदा उस तरह दा कर्म उहनूं मोड़ के भोगण वास्ते समात लोक दे विच जन्म लेना पैंदा। जे पाप अपराध कमाए हुए इस समात लोक दे विच देने पैंदे अग्गे नहीं देने पैंदे। प्यारी साध संग जी जिस तरह दा पापां दा भरिया इंसान जांदा मुड़ के पाप उहनूं भोगणे दा पापां दा लेकिन छुटकारा उहनूं इस समात लोक विच ही कराउणा पैंदा। अगर चंगा बीज के इंसान जांदा उहनूं चंगा वढण वास्ते मुड़ के मात लोक दे विच जन्म लेना पैंदा। प्यारी साध संग जी अज साडा समां है लेकिन असीं किरत करके अपने बच्चे पाल के परमात्मा की भगती करनी परमात्मा की बंदगी करनी हर पीर अंबर हर वेद ग्रंथ हर अवतार का सत्कार करना आपां नूं मनना है लेकिन मलना नहीं। मलन नाल सानूं कोई लाभ नहीं प्राप्त होवेगा मनन नाल सानूं लाभ प्राप्त होवेगा। जेकर आपां अपनी किरत करांगे अपनी किरत कमाई करांगे सूरमे बण के उही सूरमा कहा जाणा जिस तरह कि असीं दिन रात जंगलां दे विच जीवां नूं राशन पाउंदे पंछी पशु पखेरियां नूं। आखिरकार प्यारी साध संग जी असीं कोई पागल नहीं जिहड़े दिन रात लेकिन जंगलां दे विच नंगे पैरी राशन पा रहे हैं लेकिन आखिरकार पता लग गया कि देखन संसार दे विच कुछ नहीं। जिस तरह के सानू सेवादार पुछण लगे बाबा तुसीं आराम करो धुप दे विच क्यों फिर रहे असीं उन्हां नूं कहा गुरमुखो सिखो अगर साडे कष्ट पाण दे नाल लेकिन जे लखां ही जीव लेकिन भुखिआं नूं राशन मिल जावे लखां ही जीवां नूं पाणी दे प्यासिआं नूं पाणी मिल जावे इहदे नाल दा आराम कोई नहीं इहदे नाल दीआं असल सेजां कोई नहीं है। इंसान आखिरकार आण के कोई कोई पागल नहीं हुंदा जिहड़ा जंगलां 'च फिरदा जद कि आम महापुरशां तरह मैं भी बैठ सकदा लेकिन आराम कर सकदा पर मैनूं असल जेकर मैनूं रस्ता ना मिलिया तां बाकी संसार नूं संगत नूं मेरी रस्ता किथे ते मिलेगा। अज तां मेरी तेरी दा सवाल ही नहीं आ उहनूं तां बकरे मेंढे कुत्ते गाईआं मैसां तार दित्तियां। प्यारी साध संगत आखिरकार दा सच ते नेड़े होणगे झूठ तुसीं पूरे परमेश्वर दी भगती करो उत्थे पूरे परमेश्वर दी भगती करो पूरे परमेश्वर दी बंदगी करो लेकिन आखिरकार आण के उस वेले तुसीं झूठ दा अपने आप नाश हो जाणा नाम दा प्रकाश हो जाणा। लेकिन पूरे परमेश्वर दी भगती करो निंदक दा अपने आप नाश हो जाणा
जाना, नाम का प्रकाश होना। इतना संसार के जीव हन, कोई किसी जित नहीं सकता। आखिर करांगे प्यारी सत्संग जी, जिस तरह असि इतने बैठे, साडे कोल इक प्राणी लेकिन किसी जीव नूं सकाल के लियाया, एक माता बिरत नूं लैके आया नाल, एक माता नूं लैके नाल आप आ गया। कहण लग्या बाबे झूठ दा तफा पहाड़ बना के, लेकिन कहण लग्या बाबे तुसीं इस माता दा इलाज करो, लेकिन बहुत बीमार है, बहुत दुखियारी है, अगर तुसीं इलाज कर दोगे मैं तुहानूं चंगा समझूंगा। अगर उसने क्या मेरे भी दर्द हुंदा, सिर्फ झूठ दा फराट बना के कि असीं बाबा जी दी अजमत देखांगे। उस वेले अकाल पुरख दी भविष्यवाणी होई, हे बेटा लेकिन इन्हां दा जे तूं अज इलाज नहीं कीता तां तेरे तैनूं भी मैणा होवेगा, तेरी संगत नूं भी सदा सदा वास्ते मैणा होवेगा। आखिर जिस वेले हुक्म आया, हे अकाल पुरख सच्चे पातशाह इस नूं कारण क्या, उस वेले कहे इसनूं बीमारी कोई, सिर्फ ये दोए जुतियां दे कच्चे हन, इहदा 20 जुतियां बुढ़ी दा मार, 50 जुतियां इस बंदे दा मार, दोहां दा पक्का इलाज हो गया। जिस वेले 10वीं जुती बुढ़ी दे पई, बुढ़ी बाई कहण लगे, कहिंदी इह तां मैनूं हरामजादा सिखाल के लैके आया कि असीं बाबा जी दी अजमत देखणी, बाद च असीं रसालियां च 9 झूठे छपावांगे, लेकिन बाबा प्यारा सिंह दी मिट्टी पट्टांगे, झूठा हो इस करके, लेकिन इह बाबा इह मैनूं इस तरह लैके आए सिखाल के, आखिरकार मैं अज ते तैनूं नक नहीं करूंगी, लेकिन अज मैनूं बख्श दे जी, बाबा 20 जुतियां मारियां। मैं कहा माता मेरी हुण कहिंदी इहनां व्यापारियां लोकां ने आप तां मानना तां मैनूं भी मार दित्ता। आखिरकार आण के जिस वेले 50 जुतियां 30वीं जुती उहदा पई, कहिण लग्या बाबा जी लेकिन मैनूं इस गल दा नहीं पता। कहिंदा आखिरकार आण फिर उहदी फोटो लई, ओह कहिंदा बाबा जी इक बचन करो, जे तुसीं महापुरश, साडा कबीला सारा भुखा मर जाएगा, लेकिन साडा अंश बंश भुखा मर जाएगा। असीं तां बहुत सालां तों इह साडा धंधा चल रिहा, साडा बिजनेस चल रिहा, इक तां साडी फोटो ना लायो इतिहास दे विच, इक इत्थे डेरे विच फोटो ना लायो। जे तुसीं फोटो ला दी, साडा बिजनेस, साडा रुजगार मर जाएगा, लेकिन नकलां लाउण वाला साडा काम बंद हो जाएगा। आखिरकार उन्होंने माफी मंगी, दोवां ने लकीरां कढ के, बुढ़ी ने भी जुतियां खाधियां, उस मुंडे ने भी 50 जुतियां खाधियां, दोवें जने तसली उन्हां दी कर दित्ती, चले गए। हुण क्या भाई, हुण कसर कसूर है? कहिंदे हुण कसर कसूर किथे रह गई, सब कुछ नठ गया। आखिरकार आण के उस वेले अकाल पुरख नूं पुछिआ, लोक कौण है? अकाल पुरख दा बयान है, बेटो उही लोक है जिन्हां ने महापुरशां अवतारां नूं लेकिन तसीहे दित्ते, जिन्हां ने तसद्दद कीते, जिन्हां नाल जुल्म कीते, लेकिन वेदां ग्रंथां दीआं नकलां ला के धन इकट्ठा करन वाले लोक, लेकिन पीरां कमरां अवतारां दीआं नकलां ला के धन इकट्ठा करन वाले लोक हन, इह उही लोक है। अज तैनूं जुत्ती और डंडा दे के, दोवें चीजां दे के भेजिआ, जे तूं भी आखिरकार आण के उस वेले कहा कि मत कई कहिंदे, लेकिन संगतां दे अड़पां दे हमदास हैं, कहिंदे नहीं मैं संगतां दा दास है लेकिन अड़प दा मैं बाप है, जे अज ना बाप बने लेकिन संगतां दे दास ना बने, फिर किह जुग बणांगे? जिस वेले बेला हथों बीत जावेगा, फिर आखिर अकाल पुरख दा हुक्म होया, बेटा जेकर संसार दे विच, जेकर तेरे नाम लैके, तेरे नाम झूठे साले छपा के किसी नूं रोटी, भुखे 100 जन्म दे नूं भुखे रोटी मिल जावे, इस दे नाल दा धन कोई नहीं, इस दे नाल दा पुन कोई नहीं। आखिरकार आण के उस तों बाद लेकिन इक होर बंदा आ गया, झूठी गल कहती कि बाबा जी साडी गड्डी खराब है, लेकिन आखिरकार आण के वे सानूं पैसे दे। उस टाइम मेरे खीसे विच 200 रुपया था, 200 रुपया मैं उसनूं कढ के देता, मैं कहा लै सिख अपनी गड्डी सलवा लै। आखिरकार आण के उस दे नाल दा बंदा कहण लग्या भाई पिंड कहण लग्या बाबा जी इसको गड्डी गुड्डी तां कोई खराब नहीं। मैं कहा गल सुन, उसने 200 रुपया साडे कोल ते मंगिया सी, उहनूं 200 रुपया देता, मर गया सो मंगण गया, मर के मंगण जा। प्यारी सत्संग जी मैं कहा 200 जन्म दा भुखा बंदा था, इस करके मैं 200 रुपया देता, जे 600 जन्म दा भुखा हुंदा मैनूं 600 रुपया देंदा, जे 400 जन्म दा भुखा हुंदा मैनूं 400 रुपया देंदा, जे 500 जन्म दा भुखा हुंदा मैनूं 500 रुपया देंदा। आखिरकार आण के जिस वेले मैं कहा भाई 200 जन्म दा ही भुखा मिलिया, इह 200 जन्म तक पता लगे, 200 जन्म तक इहदी भुख नहीं मरी, इस करके इहनूं 200 रुपया दित्ता। तां रस्ते रस्ते विच जंगल कहिंदा मैं तुहाडे बाबे कोल 200 रुपया झूठ कह के लिया गया, तां मगरे गड्डी दे विच रील लवा के भेज दित्ता वी इह बंदा 200 जन्म दा भुखा था, इस करके इहनूं 200 रुपया दित्ता। फिर आके उसने माफी मंगी, कहण लग्या बाबा जी मैं अग्गे कोई गल नहीं करदा, मेरी शारी मेरे पल्ले पै गई। प्यारी साध संगत जी असीं परमेश्वर नूं मनणा, सूरमे होके मनणा, पाप है किसे अवतार दा नौ बेचणा, किसे वेदगांत दा नौ बेचणा, किसे दी निंदिया करनी, उस दे नाल दा पाप कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी जद असीं इक अपनी किरत कमाई करनी, मैं सारी सारी रात हल बाणा, लेकिन प्यारी साध जी मैं भी सोचदा कि मेरे लखां ही श्रद्धालू हन मैं क्यों ना चौंकड़ी मार के बैठ जावां, क्या मैनूं रस्ता नहीं मिलेगा तां मेरी संगत नूं कित्थे मिलेगा। ऐसी केती बीज संगतो बीज नाम दा पायो जी, ऐसी गेती बीज संगतो बीज नाम दा पायो जी, ऐसी खेती बीजो संगतो बीज नाम दा पायो जी, ऐसी खेती बीजो संगतो बीज नाम दा पायो जी, ऐसी खेती बीजो संगतो
बीज नाम पायो जी ऐसी गति बीजो संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी खेती बीजो संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी खेती बीजो संग तो बीज नाम पायो जी रस्त ग्राही कठिन करो नानकानू जायो 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 जी ऐसी खेती बीजा संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी खेती बीजा संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी खेती बीजो संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी खेती बीजो संग तो बीज नाम पायो जी वेद ग्रंथां दा नाम ना बेचो नानकानू जायो जी वेद ग्रंथां दा नाम ना बेचो नानकानू जायो जी वेद ग्रंथां दा नाम बेचो नानकानू जायो जी वेद ग्रंथां दा नाम बेचो नानकानू जायो जी वेद ग्रंथां दा नाम ना बेचो नानकानू जायो जी वेद ग्रंथां दा नाम ना बेचो नानकानू जायो जी वेद ग्रंथां दा नाम बेचो नानकानू जायो जी वेद ग्रंथां दा नाम बेचो नानकानू जायो जी ऐसी गती बीजा संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी गती बीजा संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी खेती बीजो संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी खेती बीजो संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी खेती बीजा संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी गती बीजा संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी खेती बीजो संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी खेती बीजो संग तो बीज नाम पायो जी पीर बतारा नाम ना बेचो नानकानू जायो जी पीर बतारा नाम ना बेचो नानकानू जायो जी पीर बतारा दा नाम बेचो नानकानू जायो जी पीर बतारा दा नाम बेचो नानकानू जायो जी अपनी किरत कमाई करो नाही धोखा खायो 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 जी अपनी हथी कमाई करो नाही धोखा खायो जी
अपनी हथी गुमाई करो नाही तो खायो री अपने हथी गुमाई करो नाही तो खायो जी अपने हथी गुमाई करो नाही तो खायो जी ऐसी गेती बीज तक दो बीज नाम दो पायो जी ऐसी गेती बीज तक दो बीज नाम दो पायो जी ऐसी खेती बीज संग तो बीज नाम दो पायो जी ऐसी खेती बीज संग तो बीज नाम दो पायो जी सिख बने दो फर्क न पायो ना नरकानू जायो जी सिख बने दो फर्क न पायो ना नरकानू जायो जी सिख बने दो फर्क न पायो ना नरकानू जायो जी सिख बने दो फर्क न पायो ना नरकानू जायो जी सिख बने दो फर्क न पायो ना नरकानू जायो जी सिख मने दा फर्क न पायो ना नरकानू जायो जी सिख मने दा फर्क न पायो ना नरकानू जायो जी सिख मने दा फर्क न पायो ना नरकानू जायो जी ऐसी गेती संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी गेती बीज संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी खेती बीज संग तो बीज नाम पायो जी ऐसी खेती बीज संग तो बीज नाम पायो जी अपनी किरत कमाई करो गल्ला लड़ना सारे 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 जी किसे दी निंदिया चुगली ना करो ना नरकानू जायो जी किसे दी निंदिया चुगली ना करो ना नरकानू जायो जी किसे दी निंदिया चुगली ना करो ना नरकानू जायो जी किसे दी निंदिया चुगली ना करो ना नरकानू जायो जी ऐसी गेती बीज संग तो बीज नाम दा पायो जी ऐसी गेती बीज संग तो बीज नाम दा पायो जी ऐसी गेती बीज संग तो बीज नाम दा पायो जी ऐसी गेती बीज संग तो बीज नाम दा पायो जी किसे ते झूठी राही न पायो ना नरकानू जायो जी किसे ते झूठी राही न पायो ना नरकानू जायो जी किसे ते झूठी गुआही न पायो ना नरकानू जायो जी किसे ते झूठी गुआही न पायो ना नरकानू जायो जी किसे ते झूठी राही न पायो ना नरकानू जायो जी किसे दी झूठी राही न पायो ना नरकानू जायो जी किसे दी झूठी गुआही न पायो ना नरकानू जायो जी
ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਭਰਿਓ ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਓ ਜੀ ਝੂਠੀ ਕਲਮ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੀ ਕਲਮ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੀ ਕਲਮ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਨਾਮ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੀ ਗੁਰਤੀ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੀ ਕੁਰਸੀ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੀ ਕੁਰਸੀ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੇ ਬਣ ਜੋ ਸਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੇ ਬਣ ਜੋ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੇ ਬਣ ਜੇ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੇ ਬਣ ਜੇ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੇ